Welcome to Indian Clashes League. Hey guys, if you have not subscribed to our channel yet, then press the subscribe button below and don't forget to hit the bell icon. Hello friends, welcome back again to my clashing channel. This is Karna, I'm Indian Clashes League and I'm your host and friend Pots Kingdom. तो गाइस इस वीडियो में मैं एक बार फिर से एक नई कुछ लीक्स हुई हैं इन्फो जो जितने भी नए अपडेट को लेकर जो जितने भी इमेजेस आते हैं स्नीक पिक्स में वो मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूं। तो अभी कुछ इमेजेस और आए हैं जो आपको नए अपडेटेड से रिलेटेड देखने को कुछ नया मिलेगा उन इमेजेस में। और फाइनली मैं बताऊं तो सुपर सेल ने फाइनल टचअप दे दिया है गेम को। वो कुछ लास्ट जो टचअप गेम को देने हैं सिर्फ वो दे रहे हैं और उसके बाद सी ओ सी अपडेट नया आपके हाथ में आएगा। तो डेट की बात करूँ तो या तो ये अपडेट आपको आज ही मिल जाएगा, 60-70% चांसेस है ये अपडेट आपको आज ही मिल जाएगा। अगर नहीं आता है आज तो कल या परसों में ये अपडेट जरूर आपके हाथ में आएगा, क्योंकि सी ओ सी वालों ने ये डिक्लेयर कर दिया अपने ऑफिशियल फोरम की कि अपडेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस एक फाइनल टचअप उनको देना है। और ये टचअप जैसे ही ख़त्म होता है तो ये अपडेट आपको रिसेंटली तुरंत ही आपको दे दिया जाएगा। यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये अपडेट आपको आज किसी भी टाइम मिल सकता है रात तक, या फिर आपको आज नहीं मिला तो कल या परसों तक मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा वेट नहीं करना है, नया अपडेट हमारे पास ही में है। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या नई नई इमेजेस जो हैं वो हमें लीक में आई हैं जो स्नीक पिक्स में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस क्लैन का बैच, अगर देखेंगे तो क्लैन के बैच के बारे में आप देखिए तो ये बैच कुछ क्रिस्टल लीक जैसा है, जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए टाइप्स ऑफ बैजेस जो नए इम्प्लीमेंट कर रहा है सी ओ सी। तो उसमें काफ़ी तरीके के बैजेस थे, टाइटन बैजेस थे, क्रिस्टल बैजेस थे, मास्टर चैम्पियन जैसी ट्रॉफीज थी, उसी हिसाब से अब क्लैन के बैजेस भी हो गए। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं जो क्लैन का बैज है वो कुछ क्रिस्टल टाइप में है। और दूसरी इमेज की भैया बात करें, आप देखिए आपका अगर कोई प्लेन ऑनलाइन होगा जो भी क्लैन में जितने भी मेंबर्स हैं तो उसके कुछ नाम के आगे कुछ ऐसा ग्रीन सा सिग्नल दिखेगा जिससे आपको पता लगेगा ये जो आपका प्लेयर है ये इस टाइम गेम में ऑनलाइन है। अब फर्दर एक इमेज और भी स्नीक पिक्स में आउट हुई है जो कि ये है, अब अगर आप ट्रूप्स डोनेट करेंगे तो आपके ये जो ट्रूप्स हैं पहले नदी में जाके कूद जाते थे, लेकिन अब कुछ एक देखने में अच्छी चीज़ देखने में ये आ रही है कि ये जो अब ट्रूप्स आपके हैं जो डोनेट आप करेंगे उनका आने जाने का रास्ता ये बना दिया गया है। तो ये कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो सी ओ सी ने अपने नए अपडेट में इम्प्लीमेंट किए हैं जो हमें अपने नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेंगे। और यही तीन चार इमेजेस जो थी अभी लेटेस्ट आई हैं स्नीक पिक्स के, और अपडेट आपको आज या कल में मिलने वाला है। तो बिल्कुल तैयार बने रहिए और जो भी आपको कुछ करें, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अपडेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जो फीचर्स हैं छोटे छोटे वो काफ़ी अच्छे हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो अपडेट है इसका अपग्रेडेड वर्जन आपको कुछ 2-3 महीने बाद देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और जो क्लैन बैच का जितना भी ये कॉन्टेंट है ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में है, ये अभी सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है। इसको बड़ा क्या करना है वो सुपर सेल अभी 2-3 महीने बाद अपने अगले अपडेट में बड़ा करेगा। इसका कुछ भी उनका को भी टारगेट होगा कि इसको कुछ एक बड़े लेवल पे लेके जाना है, ये अभी बस एक नई चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखी उन्होंने। तो ये अपडेट जो हेलोवीन का है ये जल्दी आपको मिलेगा। बाकी सारी अपडेट्स आपको मैं बता चुका हूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सारे अपडेट्स जो होंगे ट्रूप्स के उनका लेवल सारे स्टैटिक्स आप देख चुके हैं। तो बाकी कुछ और छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जैसे अगर पैका की बात करें तो पैका लेवल 6 का जो है हिट पॉइंट है वो 100 और बढ़ा दिया, 100 हिट पॉइंट प्लस कर दिए गए हैं और DPS 10 और बढ़ा दिया गया है। पर अटैक में 10 DPS ज़्यादा करेगा पैका इस बार अब से। और बात करें कि अटैक आपका तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आपका लास्ट ट्रूप कभी अक्सर ऐसा होता था कि आपका लास्ट ट्रूप अगर मर गया तो उसकी जो प्रोजेक्टाइल उसने छोड़ी है, जैसे आर्चर टावर ने आर्चर छोड़ दिए और आर्चर मर गई तो उसकी आर्चर भी गायब हो जाती थी, लेकिन अब अगर आर्चर आपकी मर भी गई है लास्ट में तो जब तक उसकी वो आर्चर छोड़ी हुई टारगेट पर लगेगी नहीं आपका तब तक अटैक ख़त्म नहीं होगा। अगली बात करें तो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं कुछ अटैकिंग पोजीशन को लेकर, आर्चर्स कहाँ कहाँ पे पोजीशन करेंगे खुद को या फिर कोई भी आपके ट्रूप्स हैं कैसे पोजीशन करेंगे, बॉल ब्रेकर कहीं उल्टी सीधी बॉल को ना ब्रेक कर दें तो इस पे भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। TH11 की बात करें तो कुछ लेवल्स के लिमिट जो हैं वो बढ़ा के आगे कर दिए गए हैं, कुछ डिफेंसेस के लिमिट्स बढ़ा दिए गए हैं, कुछ ट्रूप्स के जो लिमिट्स हैं लेवल के वो बढ़ा दिए गए हैं, मतलब कि अब उनको आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं। और कुछ विजुअल चेंजेस कुछ बिल्डिंग के किए गए हैं TH11 पे। तो यही सारे जो अपडेट्स के जो कुछ नया है वो मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ आपको नया अपडेट में देखने को मिलेगा। और नया अपडेट आपको होपफुली आज शाम तक या फिर नेक्स्ट के कल या परसों तक कुछ 2 दिन में आपको मिल सकता है। 70% चांसेस है कि नया अपडेट आपको आज मिल जाएगा। तो यही सारे स्नीक पिक्स थे जो अभी तक हमको मिले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के नए अपडेट को लेकर। आगे भी अगर कोई अपडेट मिलता रहेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा उस चीज़ से।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए दबा के इस चैनल को। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड क्लैश ऑन गाइस।